ईद की खुशी कॉर्नेटो के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आज का व्लॉग शुरू करते हैं ईद वाले दिन से। ये है पहला दिन और फजर का टाइम हो रहा है। इस टाइम मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है और फजर के वक्त इतना खूबसूरत लगता है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी और परिंदों की चेचे सुनकर खूबसूरत ज़िंदगी का एहसास होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और इस टाइम 10 बज रहे हैं, मैंने जल्द से बेड शीट चेंज कर ली है क्योंकि आज है ईद का पहला दिन। तो मैं ये बेड शीट लेकर आई थी, मैं इसको बिछा रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी हम अपने घर की थोड़ी रूम की सफाई कर लेते हैं और इसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, ईद की खुशी विद कॉर्नेटो। और इसके बाद हमने कॉर्नेटो आइसक्रीम मंगवाई, वो खाई, बहुत मज़ा आ रहा था। तकरीबन 2 बज रहे हैं इस टाइम दोपहर में। और इसके बाद मैं मोहम्मद की वीडियो बना रही थी, मोहम्मद झूप रहे थे लेकिन मैंने इसकी फिर भी वीडियो बना ली। और यहाँ गेम खेला जा रहा था माइनक्राफ्ट, बहुत ही फेमस गेम है ये। और ये हैं मोहम्मद जो बिज़ी हैं अपने मोबाइल में। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। दोस्तों ईद का आज फर्स्ट डे है और आज हम कहीं नहीं गए। इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैं यहाँ बैठकर साजिद के साथ बातें कर रही थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दिया। मेरे लिए रिंग लेकर आए थे, बहुत खूबसूरत ब्लैक स्टोन रिंग है और ये उन्होंने मुझे पहनाई। वाओ, बहुत खूबसूरत रिंग थी माशाल्लाह। ये मुझे साजिद ने सरप्राइज़ दिया था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये वो मुझे रिंग देंगे। और इस तरह के बड़े मौके पर ईद वाले दिन यानी एक दूसरे को गिफ्ट लेते देते रहना चाहिए, तो इससे पता चलता है हाँ ईद है। और इसके बाद फिर हमने एक मूवी देखी, उसके बाद हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में मैं बिरयानी बनाई है, बहुत मज़ेदार। और इसी तरह हमने अपना फर्स्ट डे गुजार लिया। तो फ्रेंड्स, ईद का फर्स्ट डे तो बोर ही गुजरता है घर में सो सोकर, और अजीब रूटीन होती है क्योंकि रमज़ान का फर्स्ट के बाद फर्स्ट डे होता है, तो अजीब सा लग रहा होता है। बस खाना पीना और ये वो, कहीं जाना आना होता है फिर सेकंड डे से। तो कल होगी मेरे देवर देवरानी की दावत, उसके बाद थर्ड डे मैं अपनी बहन के घर जाऊँगी। दैन इसके बाद से तो वही रूटीन, डेली रूटीन शुरू हो जाती है रोज़ाना की, क्योंकि रमज़ान जा चुके हैं और ईद के बाद तो वही रूटीन शुरू हो जाएगी। Thank you.
तो फ्रेंड्स, आपने देखा साची ने मुझे बहुत खूबसूरत से ब्लैक स्टोन की रिंग दी है। इसी तरह हर हस्बैंड को चाहिए कि अपनी बेगम के लिए बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट ले आए, भले गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, गिफ्ट गिफ्ट होता है, ठीक है। भले वो एयर रिंग हो, रिंग हो, मेकअप हो, ज्वेलरी कुछ भी हो, लेकिन गिफ्ट देते लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। बाय बाय।